आधा घंटा पहले मैंने द फैमिली मैन का सीजन 2 खत्म किया और विश्वास कीजिए मैं अब तक हिप्नोटाइज्ड हूँ। सीजन 1 जहाँ से खत्म हुआ था सीजन 2 वहीं से शुरू होती है। सीक्रेट मिशन वाला जॉब छोड़ के श्रीकांत तिवारी अब कॉर्पोरेट लाइफ में है, 9 to 5 वाला जॉब करता है और फैमिली को पूरा टाइम देता है। बच्चों को खुश रखना, उनको स्कूल ले जाना, स्कूल से लेके आना, बीवी को हेल्प करना, उसको खुश रखने का कोशिश करना, हर तरह से श्रीकांत कोशिश करता है, जो कि उनके मिसेस को भी चाहिए था एक टाइम पे। लेकिन श्रीकांत मन से खुश नहीं दिखता है। ऊपर से उसकी बीवी सूची भी अपना जॉब छोड़ के अब घर पे ही है, पूरी तरह से हाउसवाइफ बन चुकी है, तो वो भी अंदर ही अंदर एक तरह से कुड़ता रहता है। इधर सूची के कहने पर श्रीकांत एक बार काउंसिलर के पास भी जाता है, लेकिन वहां से भी भड़क के निकल के आ जाता है। जो भी हो, कुल मिला के दोनों अनहैप्पी की लाइफ लीड करते हैं। बेटी धृति अब 15 साल की हो चुकी है और नई नई दुनिया देखने के चलते पेरेंट्स को इग्नोर करती है। छोटा बेटा अथर भी है, जो थोड़ा बहुत पापा मम्मी को साथ में रखने का प्रयास करता है। ऑफिस में श्रीकांत का आधा लाइफ कंट्रोल करता है उसका छोटा सा नन्ना सा बॉस, जो 28 साल की उम्र में एक आईटी कंपनी का सीईओ बन चुका है। श्रीकांत का मन तो टास्क के काम में ही पड़ा रहता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन से मिशन में जा रहे हैं, ये सब खबर रखते हैं श्रीकांत। उनको हेल्प भी करता है अपने पॉसिबल तरीके से। सूची और श्रीकांत के झगड़े में अचानक दोनों ने डिसाइड किए कि उनको एक दूसरे से ब्रेक चाहिए। श्रीकांत फिर से अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के टास्क में ज्वाइन कर लेता है। मूवमेंट वही नॉर्थ श्रीलंका की तमिल रेवोल्यूशन वाली, थोड़े बहुत वर्ल्ड के सपोर्ट इंक्लूडिंग ISI फ्रॉम पाकिस्तान, और इधर एक से एक खतरनाक रेवल्स। इनमें से एक राजी नाम की लड़की है जो एक फैक्ट्री में जॉब करती है। सीन के सीन चला तो पता चलता है कि वो एक खतरनाक रेवल है। उसी का असलियत पता चलने पर जिंदा पकड़ने के लिए श्रीकांत, उसका पुराना दोस्त JK और तमिल ऑफिसर मुथु मेनली लीड करके मिशन को आगे ले जाता है। राजी और उसकी टीम, जिसको भास्करन का दिमाग से लीड किया जाता है, वो इंडियन PM बासु और श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपातुंगा के चेन्नई में होने वाले मीटिंग पर एयरक्राफ्ट के जरिए सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक करने वाले हैं। राजी है एक ट्रेन पायलट। उसकी पास्ट लाइफ श्रीलंका में बहुत खराब गई थी और उनके माँ बाप भाई को भी मरना पड़ा था। राजी ये सब कर रही है ताकि वो बदला ले सके और अपने लोगों के लिए देश बना सके। उसको पकड़ने के लिए श्रीकांत तिवारी और टीम जहाँ भी जाते हैं वहीं इन रेवल्स के सपोर्ट में लोकल्स को पाते हैं, और एक बार तो राजी को पूरी तरह से हाथ में पाने के बाद भी खोना पड़ता है। इन लोगों के मकसद के लिए कुछ बाहरी देशों से भी हेल्प मिलता है। भास्करन के रेवल्स खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं और कहते हैं शहीद मरते नहीं है। इसी के साथ ये लोग जोश में अपने काम को अंजाम देने की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है? क्या श्रीकांत राजी को जिंदा पकड़ पाता है? क्या इन लोगों का मकसद को रोक पाता है, या ये लोग अपने मकसद में कामयाब होते हैं? भास्करन अपने दिमाग से इस मूवमेंट को कहां तक लेके जा पाता है? आखिर चाहे कुछ भी हो, इतना तो है ये सीरीज देखते वक्त आप सिर्फ आंसर नहीं ढूंढेंगे, पूरे सीरीज के मजे जरूर लेंगे। श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर में ऑब्वियसली मनोज वाजपेयी है। इनके एक्टिंग के बारे में तो चाहे कुछ भी कह दो, कम ही पड़ेगा। एक्टिंग में जान डाल दी इन्होंने। सूची के कैरेक्टर में प्रियामणि, समाज के धक्के खाए हुए देखे यह खतरनाक फाइटर राजी के कैरेक्टर को समंता आकिकेनी ने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। श्रीकांत तिवारी का दोस्त कम कलीग के कैरेक्टर के हिसाब से JK को पूरी तरह से फ्लरिश किया है शारिब हाशमी ने। ओवरऑल सबके एक्टिंग ही अच्छे लगे। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है राज एंड DK। सिर्फ एक्शन और थ्रिल ही नहीं, JK और अथर्व का कॉमेडी भी इसमें है। ये इस साल की अब तक की बेस्ट शो है। बस इसकी एक ही खामी लगी मुझे कि इसमें आधे से भी कम समय हिंदी बोले जाते हैं। सीजन 1 में जो कि हिंदी ही मेन प्रायोरिटी में रखा गया था, अब सीजन 2 का आधा हिस्सा तो तमिल ही बोली जाती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश और बाकी हिंदी, तो बीच बीच में दर्शक इससे कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं। इस सीरीज का एक बड़ा सा हिस्सा हिंदी के दर्शक सबटाइटल के भरोसे ही देखते हैं। हालांकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये साइड इस सीरीज को थोड़ा सा बैकफुट में लेके जाता है। सिनेमेटोग्राफी कमाल की रही। सेंसेशनल सीन्स में तो आप पूरी तरह से घुस जाएंगे। इसका क्लाइमैक्स भी बहुत बढ़िया रहा। शो के एंड तक आते आते थर्ड सीजन का प्लॉट रेडी करते हुए दिखते हैं, जो कि द फैमिली मैन के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों, देर की इस बात की, लगभग 1.5 घंटा वाले 9 एपिसोड्स को लेके बैठ जाइए अमेजन प्राइम के सामने और ख़त्म कर दीजिए द फैमिली मैन 2। मेरी तरफ से इस सीरीज को जाता है 4.5 out of 5। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।